नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, भगवान राम की नगरी में सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज हम आपको राम मंदिर बनने से पहले दिखाएंगे कैसा होगा अयोध्या का भव्य राम मंदिर। हम आपको वहां चल रही तैयारियों से भी रूबरू करवाएंगे, साथ ही सीधे अयोध्या से भगवान राम की भक्ति और सूफी गीत से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अयोध्या में कलकल बहती सरयू नदी और सरयू किनारे भगवान राम और माता सीता की महिमा गाते राम भक्त। जैसे जैसे 5 अगस्त की तारीख करीब आती जा रही है, अयोध्या भगवान राम की भक्ति में लीन होती जा रही है। भजन कीर्तन और हवन पूजन माहौल को दिव्य बना रहा है। ये माहौल बुधवार को और भी भव्य होगा जब पीएम मोदी यहाँ श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुँचेंगे। भूमि पूजन से पहले ही अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप भव्य राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी समेत करीब 200 गणमान्य लोग भूमि पूजन समारोह का हिस्सा होंगे, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी के लिए 3 हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। इनमें एक हेलीपैड साकेत महाविद्यालय में पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाया जा रहा है। यहाँ पर हेलीपैड साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें कि 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। भूमि पूजन के लिए शहर शहर से मिट्टी और जल तो पहुंच ही रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम लिखी चांदी की ईंटें भी पहुंचने लगी है। इन ईंटों पर 5 अगस्त 2020 और समय 12:15 दर्ज है। 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे। भूमि पूजन के भव्य कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। 200 मेहमानों को न्योता चला गया है। इसकी लिस्ट ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएमओ को भेज दी है। तैयारी यही है कि अंदर वर्षा काल है, हैंगर एक पंडाल लगना चाहिए, ये तैयारी का पहला हिस्सा है। पूजन पाठ होगा तो ब्राह्मण चाहिए, कुर्सियों के सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 5 अगस्त को बुधवार है, लिहाजा इस पावन दिन उन्हें हर रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे जिन्हें तैयार किया जा रहा है। भूमि पूजन वाले दिन रामलला रवनत्न जड़े और मखमल के वस्त्र पहनेंगे। रामलला के वस्त्र हरे और केसरिया रंग में बन रहे हैं। रामलला के हरे रंग के वस्त्र में भगवा रंग की गोटी लगाई जा रही है। 1 अगस्त तक रामलला के वस्त्र तैयार हो जाएंगे। वस्त्रों के अलावा आसन पर बिछाने के लिए चुनरी सितारा जड़ित पर्दा भी तैयार किया जा रहा है। रामलला के साथ साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और शालिग्राम के लिए भी आसन तैयार हो रहा है। यानी तैयारी पूरी है, बस इंतजार हो रहा है 5 अगस्त का। बनवीर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, अयोध्या आज तक। अयोध्या राम मंदिर का जब भी जिक्र होगा कल्याण सिंह का नाम सभी के जेहन में आएगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद जमींदोज हुई थी तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह से अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी नींव पड़ने जा रही है, इस पर बातचीत की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। सर ये बताइए कि आपको बुलावा आया, आपकी भावनाएं इस वक्त क्या हैं? क्योंकि आपसे बड़ा नाम जिसने उस पूरे राम मंदिर को देखा जिया कोई नहीं है। राम जन्मभूमि को स्वतंत्र करने के लिए 500 साल तक संघर्ष हुआ, कभी सफलता नहीं मिली। अब जाकर के सफलता मिली है और 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। मैं स्वयं भी एक दिन पहले ही 4 अगस्त को सायंकाल अयोध्या पहुंच जाऊंगा और भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं हिस्सा लूंगा। 2-3 बात कहना चाहता हूं। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्ने में जाएगा, चूँकि 500 साल तक संघर्ष किया गया था और कभी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई थी। 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर ने के सिपहशालार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी और वो इबादत की गरज से नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी
करोड़ों हिंदुओं को आत्म गलाने की आग में झेलने के लिए बनाई थी, उसको स्वतंत्र करने के लिए अनेक संघर्ष हुए, कभी सफल नहीं हो पाया है। हाँ, ये बात भी इतिहास के पन्नों में जाएगी कि 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था, विवादित ढांचा, वो चला गया, सरकार भी चली गई, तो सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। भाई जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके नाम पर तो बड़े से बड़ा बलिदान भी मैं छोटा मानता हूँ। वहाँ पर जिला प्रशासन ने कहा था, रिपोर्ट आई कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 4 बटालियन मांग लिए, आ रही है, मजिस्ट्रेट मांगा था, मजिस्ट्रेट दे दिया गया है, लेकिन वे सुरक्षा बल साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, 3 लाख लोगों की भीड़ है, उन्होंने रोक रखा है, ऐसे में हमें बताया जाए कि हम गोली चलावें या न चलावें। ये भी उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट में कि अगर गोली चलाई गई तो नरसंहार होगा, बड़ा क्रूर खराब होगा। मैंने लिखित में आदेश किया है, मौखिक नहीं, मौखिक आदेश कई बार लोग नकार जाते हैं, मैंने लिखित में आदेश किया कि जिस स्थिति पर बिंदु पहुँच गई है अयोध्या की स्थिति, उस स्थिति में अयोध्या में गोली न चलाई जाए, अन्य उपाय कुछ हो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सब अपनाया जाए, लेकिन गोली नहीं चलाई जाए। क्यों? क्योंकि गोली चलेगी तो हजारों लोग मारे जाएंगे, नरसंहार होगा, स्टैम्पीड हो जाएगा, उसमें हजारों लोग मारे जाएंगे, और चूंकि पूरे देश भर से कारसेवक आए हुए हैं, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश और देश के अंदर हिंसा की लपटें उठेगी, वो स्थिति और भी अधिक दुखद होगी। इसलिए गोली एक भी नहीं चलेगी, और मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मेरे माथे पर किसी एक भी कारसेवक के प्राण लेने का कलंक नहीं लगा। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। अगले ही दिन नरसिम्हा राव की सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के और राज्यों में भी जो सरकार थी उनको भी उस वक्त बर्खास्त किया गया था। फिलहाल कल्याण सिंह को आप सुन रहे थे, तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे जैसे मंदिर के भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी घमासान भी तेज होता जा रहा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट में सरकार की ओर से लोगों की नियुक्ति की बात कही। राजू दास का आरोप है कि मस्जिद की आड़ में गलत काम होंगे, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी, वहां पर हमने हय्याल अस्सलाह और हय्याल अल फलाह की सदाएं दी, ये हम बोलते रहेंगे। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सरकार के लोग हैं, उसमें भी सरकारी लोग रहे, नहीं तो पूरे देश दुनिया से पूरे विश्व से धन एकत्रित करेंगे, चंदा एकत्रित करेंगे, उसके बाद उस चंदा का गलत उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, उससे भारत की अखंडता में सेंध लगाएंगे, सनातन धर्म संस्कृति का नुकसान पहुंचाएंगे, उससे आतंकवाद का बढ़ावा मिलेगा और देश के साथ कुचक्र रचने का काम ट्रस्ट के लोग के धन से होगा। इसके नाते सरकार से निवेदन है, हमारी मांग है। तो जुबानी घमासान जारी है इन सबके बीच, देश में एक बड़े हिस्सों को इंतजार है 5 अगस्त की तारीख भूमि पूजन का भी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री को लेकर हमारी खास पेशकश ब्रेक के बाद शाम 4:30 बजे जरूर देखिएगा, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।